अरे भाभी नमस्ते। अनुराग नमस्ते। भैया हैं क्या? वो नहीं है, बाजार गए हैं। कुछ बोल के गए थे क्या? क्या? हाँ, बोल के तो गए थे। वो अरे बोल गए थे कि मोहित आए तो उसे घर मत आने देना, उसकी नियत खराब है। एक नंबर का लुच्चा लफंगा छिन रहा आदमी है। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। इसीलिए तो इसे घर में रखा है। अच्छा, हाँ, ताकि इसकी संगत का कुछ तो असर पड़े तुम पे। वैसे जब से इस घर में आया है इसने भौंकना कम कर दिया है। अच्छा। सोचता होगा बेचारा एक ही को भौंकने दो। तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं? 600-700 होंगे। बस एक साल में सिर्फ 600-700 ही डाले हैं? हाँ, बैंक वाले भी बोल रहे थे बैंक में खाता खोला है। ये दान पेटी। आधे तुम रखो, आधे बैंक में डाल के आता हूँ। तुमने हमें इतना परेशान करके रखा है, ये करो वो करो फलाना करो ढिकाना करो, दिमाग खा जाती हो। ऐसा लगता है कि भाग जाएं। लो अब भाग के जाओ और सब्जी लेके आओ जल्दी से। अभी कभी लगता है, अभी थोड़ा ना लग रहा था। जा रहे हो कि नहीं? था हाँ, जा रहे हैं। जा बातें कर रहा है अभी। सारे काम कर लेना मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जब बात कर रही हूँ। बिजली विभाग तो इतने चौड़े में कहता जैसे ऐसा बंदूक दे रखी हो। तो जब कोई दिक्कत है? दिक्कत कर रहा, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तुझे पता नहीं है 3 दिन से बारिश हो रही है, बिजली घर में पानी भर गया यार। तू भाड़ो लूली लाइट बना रहा है जो पानी में डूब जाएगी। अरे पानी की वजह से लाइट खराब हो गई। ले जैसे बन रही है उसी से खराब हो गई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो ये बता, अरे मेरा अरे तू ये बता कि लाइट काहे से बन रही है? पानी से। हाँ तो मैं आ रहा हूँ, मेरी बोतल में कर दी है। तेरा दिमाग तो ठीक है। 3 दिन में इतना अंधेरा देख लिया, मुझे लग रहा है मेरे गाँव में आविष्कार ही नहीं हुआ लाइट का। अरे तो सर तुम मुझे बताओ लाइट कैसे आ जाएगी, हर गाँव में तो पानी भरा पड़ा। तो तू जमीन पर चलन वाली बनाई क्यों रहा? आगे हाथ जोड़ लो, मेरा भाई मुझे माफ कर दे, मैं खुद तेरे घर पर अब लाइट भेजा। तू मेरा भैया साथ में लेकर आइए ना, कहीं और निकल जाए। बाबू बाबू बाबू, क्या हुआ? हमारी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? हाँ, 300 रुपया रोज मिले हैं, तुम्हारी नौकरी लगवा दी है। लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं है। उम्मीद पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसमें करना कहाँ है? अरे कुछ नहीं, खेत में धानी लगाने हैं। आँखों के सामने, देखना ठीक है।